गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो अभी जो सुबह के 6 बज रहे हैं भाई, मैं जो है सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करने बैठ चुका हूँ। अभी फिलहाल जो अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि अकाउंटेंसी का भाई दो चैप्टर्स बाकी है, दो चैप्टर पेंडिंग पड़े हैं, तो वो भी कर रहा हूँ फिलहाल। तो इसमें से भाई मेरे को ये चैप्टर काफ़ी मतलब कन्फ्यूज कर देता है भाई। ये जो है अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर है, कंपनी एंड मतलब वो कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह रहते हैं ना, उनका चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो, जो कि इसमें ये सब दिए हुए हैं। अगर आप भी 12th के स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, तो भाई आपको ये पता ही होगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और ये क्या बोल ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्रीज रेशियो भी है, मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड पेबल्स और जो ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, हाँ ये रहा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाला। ये मतलब इसमें है ना फॉर्मूलास इतने सारे हैं, कंफ्यूज कर देता बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इतने फॉर्मूला याद कैसे करो, बहुत फॉर्मूला इसमें। अभी तक तो बहुत बाकी है, स्टडीज़ बाकी है। बिजनेस स्टडीज़ में मेरे को अभी तक मॉडल पेपर चेक करना है, मॉडल पेपर मैंने अभी तक चेक नहीं किया, वो करना है, थोड़ा बहुत पेंडिंग पड़ा है भाई। खैर एनीवेज अभी जो है फटाफट थोड़े बहुत मतलब जो दो चैप्टर्स है पेंडिंग पड़े वो कर लेता हूँ, मॉडल पेपर्स चेक कर लेता हूँ, देन आगे की स्टडी कंटिन्यू करता हूँ भाई। तो भाई साहब कृष्णा तो इधर जो है पूड़ियाँ बेल रही है, इतनी सारी पूड़ियाँ तो बना भी ली है, और इनमें भैया ना ये सब अलग अलग फ्लेवर की, ये वाली जो देख रहे हो ये वाली अलग है, ये वाली अलग है, वो येलो कलर की है वो अलग है, और उसके पास में थोड़ी लाइट ऑरेंज वाली दिख रही है वो भी अलग है। तो पूड़ियाँ जो है 4 फ्लेवर की बनाई है। और इधर सुनील जो है मम्मी को पूड़ी ला के दे रहे हैं, मम्मी पूड़ियाँ बन, क्या बात है, मस्त गर्मा गर्म बन रही है यार। एक ट्रायल मैच तो हो जाए, टेस्ट तो करते हैं भाई कैसी बनी है। तो गाइस भाई मैं तो भाई अपने पूड़ियाँ लेके भाई कमरे में आ चुका हूँ, अभी खाऊंगा इसको। सच में पूड़िया है ना, की बहुत दिनों के बाद बनी पूड़िया, खा के फिर वापस अपने ड्यूटी पे लग जाओ पढ़ाई करने के भाई। वैसे भी मेरा जो है सिलेबस अभी तक 50-60 बता सकता है, काफी मस्त बनी है, क्रंची बनी है, बहुत बढ़िया बनी है सच में। मम्मी बढ़िया बनी है, जो है आया देख सकते हो 6 बजने का आया अभी फिलहाल, और सुने अभी तक उठा नहीं है। एक मिनट इसको देख कैसे उठा था, उठ गया नहीं देर को सोने नहीं दूंगा मैं, उठेगा नहीं उठेगा नहीं पक्का नहीं उठेगा पक्का नहीं उठेगा पक्का बोल नहीं उठेगा मत उठ। तो भाई अभी जो टाइमिंग हो रही है भाई फिलहाल 8 बज चुके हैं, और अभी मम्मी जो डिनर बना रही है फिलहाल, तो यार मेरी हालत ख़राब हो गई यार, इवनिंग से मेरी हालत ख़राब हो गई एक्चुअली, बहुत जोरों का यार मुझे जुकाम लग गया यार, बहुत हैवी जुकाम लग गया, सुबह से छींक ले लेके घर उठा के रख दिया मैंने। बाकी मेरा नाक देखो यार, नाक पूरा लाल हो गया, यहाँ से भाई पूरा लाल हो गया। अभी थोड़ी मेरे को ज़्यादा सर्दी लग रही है। अच्छा ये एक बात है, मेरी जब भी मेरी कोई भी एग्जामिनेशन पास में होती है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं, कोई भी एग्जामिनेशन हो, हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, या फिर अभी ये बोर्ड आ रही है, मतलब एग्जामिनेशन के थोड़े से दिन बचते हैं ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्यों, और सच्ची में मेरी हालत ख़राब हो जाती है ये। पर इस कोल्ड की वजह से मेरे को फीवर जैसा भी लग रहा था, मेरे को मतलब अनकम्फर्टेबल सा लग रहा था, तो मैं तो जाके भाई टैबलेट्स लेकर आ गया भाई मेडिकल शॉप में जाके भाई कहा कि भाई कोई अच्छी सी दवा लिख के दो फटाफट, इच्छा थी कि अभी पढ़ूं। तो भाई साहब यार डिनर भी लग चुका है भाई, टुक्कड़ और दाल है आज के डिनर में, तो फटाफट डिनर कर लेता, फिर दवाई भी लेनी है, दवाई ले लूँगा फिर। कृष्णा तो डिनर करके अपनी ड्यूटी पर भी लग चुकी है, मेरे को भी लगना पड़ेगा। The next day. Hello guys, यार good morning भाई, अभी जो है समय हो रहे भाई सुबह के 10 बज चुके हैं, कल की तरह मैं वापस सुबह आज अर्ली मॉर्निंग उठा था, और वैसे भी यार रात को ठीक से नींद भी नहीं आई है, क्योंकि आपने वैसे भी कल देखा होगा कल मेरी शाम से मतलब तबीयत खराब हो चुकी थी, सर्दी लग गई थी बहुत भयंकर भाई। वैसे भी अभी मैं लेट नाइट पढ़ाई करता नहीं हूँ तो अभी जल्दी सो जाता हूँ, लेकिन कल रात को मैं लगभग 2:30 बजे के आसपास में मेरे को नींद आई है, कल जो है हालत ख़राब हो गई थी। ये रुमाल देखो, मैंने रुमाल इधर सुखाने को रख दिया था भाई, अभी ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकता रुमाल में अभी फिलहाल, तो मैं अभी जो है हमने हिंदी में तैयारी कर रहा था, क्योंकि अपने पहले एग्ज़ाम तो वैसे अकाउंटेंसी की है,
लेकिन अकाउंटेंसी में तैयारियां लगभग हो चुकी है, एक बार रिवाइज करना है रिवाइज कर लूँगा। फिलहाल तो अभी एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम है, मतलब अभी 2 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के। हर वक्त ये होता रहता है, मैंने बहुत बार देखा है जब भी एग्ज़ाम्स नियर बाय होती है भाई मेरी तबीयत खराब हो जाती है। और एग्ज़ाम्स में वैसे भी कुछ कर सकते नहीं है, एग्ज़ाम तो देने जाना ही है चाहे तबीयत खराब हो, खास करके बोर्ड, तो बोर्ड में तो मतलब जाना कंपलसरी है, चाहे तबीयत खराब हो चाहे मतलब कुछ भी रीज़न हो, बोर्ड में तो भाई जाना ही है। नहीं गए तो भाई सिंपल सी बात है वही फेल हो जाएगी। और तो 2-2.5 बजे तक तो यार मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आई। नाक का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला तो मतलब पूरा रुक ही गया था, सांस वगैरह मैं ले भी नहीं पा रहा था। ये वाला पार्ट तो चलो फिर भी सही था, ये वाला पार्ट जो है ना ये बिल्कुल ही मतलब रुक गया था। ये यहाँ से नहीं सांस मैं ले पा रहा था, नहीं मैं छोड़ पा रहा था, मतलब कि सांस जो है वो नहीं अंदर जा रही थी नहीं बाहर आ रही थी। का जो ये वाला पार्ट है ना भाई मेरे को कल बहुत दिक्कत दी इसने, बंद करा कि आधा नाक काट के फेंक दी। बात यार बहुत ख़राब लग रही है, बस ठीक हो जाइए एक बार, तब तक भाई थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद वापस लंच करने के बाद वापस मेरे को गोलियाँ लेनी है, उसने मेरे को 3 टाइम की लिख के दी थी, तो कल तो मैंने रात को ले ली थी, कल रात को मैंने ले ली और अभी आज ले लूँगा। अभी ऑल सेट नहा धो के रेडी हो चुका हूँ फिलहाल कॉल लेके भाई। फिलहाल अभी जो बैड न्यूज़ ये है कि लाइट चली गई है और मेरा फ़ोन जो वो भी डिस्चार्ज है, मतलब फ़ोन की बैटरी लो है और अभी ब्लॉग ज़्यादा देर बना नहीं सकता। अभी लाइट भी गई हुई है, पता नहीं लाइट कब तक आएगी। फिलहाल तो अभी मेरे को लगी है भूख, ऊपर से दवाई भी लेनी है, पर मम्मी पापा बाहर गए हुए तो सोचा अभी जो मम्मी ने कल पूड़िया बनाई है वो खा लेता हूँ। तो मम्मी ने इसमें भाई पूड़िया डाली है भाई, कितना इसमें ही है ना, हाँ इसमें ही है, इसमें ही पूड़िया है। तो अभी पहले फिलहाल पूड़ी खा लेता हूँ, हल्का फुल्का थोड़ा ब्रेकफास्ट ही कर लेता हूँ ताकि मैं फिर उसके बाद दवाई ले सकूँ और थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगा। फिर सुबह वैसे भी अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं पढ़ाई करा था, 10 बजे मैं उठा हूँ फिर पढ़ाई करके, फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट करके कोचिंग का देखना पड़ेगा, पता नहीं क्या सीन है आज, जाने का है या नहीं, क्योंकि अभी एग्जाम्स नियर है ना तो कोचिंग अभी मतलब लगभग अभी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी अपन को भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी ना फिर, इसलिए। खैर चलो कोई ना, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद दवाइयाँ पड़ी हुई है वही दवाई दे देता हूँ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। भाई साहब दवाई लेके मैं तो सीधा सो गया था, 3-4 घंटे की आराम से नींद ले ली है। भाई साहब बहुत जोरों की बारिश भी चालू हो गई, देखो एक मेरी तबीयत खराब, दूसरा मौसम भी खराब, बारिश बहुत जोरों की, चलो ओके भाई। एसटी और हिंदी में लगभग तैयारियां मतलब है ही नहीं अभी, तो इन दोनों में तो भाई इतनी तैयारियां नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ट्राई कर रहा हूँ कि तैयारियां बेस्ट से बेस्ट अपना दे सकूँ एग्जाम में। देखते हैं कितना बेस्ट से बेस्ट दे सकता हूँ मैं अपना। खैर एनीवेज यार तबीयत तो भाई, एक्चुअली मैं ना दवाई लेके जो सीधा सो गया था, और सोने के बाद दवाई लेनी है, डिनर तो हो चुका है, दवाई लेनी बाकी है, डिनर हो चुका है फिलहाल। तो बारिश चालू हो गई तब मेरा पढ़ने का मतलब मूड में, मैं सोच रहा था कि ऊपर छत पे जाके पढ़ लूँ आराम से, लेकिन ऊपर नहीं पढ़ पाया। फिर उसके बाद नीचे ही अपने रूम में पढ़ा रहा, जितने में लाइट भी चली गई तो मतलब पढ़ने का फिर मन ही नहीं हुआ, मतलब पढ़ने का मतलब मूड ही ऑफ हो गया कि भाई लाइट भी चली गई, ऊपर जाके अलग सी वाइब्स आती है पढ़ने के लिए। तो अभी जो है थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद कल सुबह वापस अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ूंगा, परसों एग्जाम है। इस व्लॉग को तो मैं यही भी एंड करता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स पाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, ओके। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक भी कर देना, ओके गाइस। जल्दी से एक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।